तमाम दर्शक मित्रों का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। राजस्थान में विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस, इन्हें मिलेगा टिकट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और युवा नेताओं पर खास तवज्जो दी जाएगी। रंधावा ने पार्टी की एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को देखते हुए दिए जाएंगे। इस बार हमारा मुख्य ध्यान युवाओं पर भी होगा। हम युवा नेताओं को तैयार करेंगे क्योंकि वे हमारा भविष्य है। कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए बुधवार को पार्टी विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जा सकता है, रंधावा ने कहा, अगर वे भाजपा विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतार सकते हैं तो कांग्रेस भी अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार सकती है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता के अलावा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में युवा और पुराने कांग्रेस नेताओं का मिश्रण होगा। रंधावा ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए सत्तारूढ़ दल पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस रामनवमी के दिन राम मंदिर जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा, हम उस दिन वहां जाएंगे जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और मूर्ति स्थापित हो जाएगी। हम रामनवमी पर जाएंगे जब भगवान राम का जन्म हुआ था। रंधावा ने कहा कि राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस भाजपा सरकार से उसके चुनावी वादों पर सवाल करेगी और उनसे पूछेगी कि पिछली सरकार की योजनाओं को क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार दिल्ली से आई पर्चियों से ही पर चलती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और केंद्र में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश से मिलने पहुंचे लालू, बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बंद कमरे में क्या हुई बात? राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग पहुंचे। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के पीछे बदल रहे राजनीतिक समीकरण पर चर्चा संभव है। इससे पहले इन तीनों नेताओं की मुलाकात 15 जनवरी को राबधी आवास में हुई थी। उस दौरान लालू और नीतीश एक दूसरे के आमने सामने करीब 90 दिन बाद आए थे। इन 3 महीने के अंतराल के दौरान के रिश्तों में खटास को लेकर खूब चर्चा हुई। शुक्रवार को करीब 30 मिनट से ज्यादा समय तक इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लालू नीतीश कुमार के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि CM नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाए। वहीं लालू यादव का कहना है कि इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। CM नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुलाकात के पहले से ही बिहार की सियासत में किसी बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है। JDU के NDA में पुनर्वापसी की चर्चा के बीच लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल BJP के वरिष्ठ नेता अमित शाह की ओर से एक साक्षात्कार में नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमित शाह से पूछे गए सवाल की नीतीश कुमार जैसे पुराने साथी जो छोड़कर गए थे ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं, इस पर अमित शाह ने कहा था कि जो औरतों से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। BJP का कोई बड़ा नेता क्या खुद को बता सकता है PM पद का दावेदार? पढ़िए AAP सांसद राघव चड्ढा की इंटरव्यू। INDIA और BJP का पहला मुकाबला 18 जनवरी को चंडीगढ़ में होने जा रहा है। चंडीगढ़ का यह चुनाव INDIA पूरी एकजुटता के साथ लड़ेगा। ये पहली लड़ाई ही 2024 के चुनाव का आगाज करेगी। अभी तक इस गठबंधन ने एक भी चुनाव साथ मिलकर नहीं लड़ा है।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जब पहली बार मिलकर लड़ेंगे तो उसकी ताकत का अंदाजा होगा। ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा, वो यह कि जब INDIE चुनाव लड़ता है तो एक और एक दो नहीं, एक और एक मिलकर 51 होते हैं। क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है? अगर कहीं पर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनती है तो उस स्थिति में INDIR का क्या रुख होगा? देखिए, रणनीति के तहत देश भर के कई राज्यों में साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और कई राज्यों में एक रणनीति के तहत भिन्न प्रकार से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह राज्य दर राज्य और वहां के चुनावी माहौल और रणनीति को देखकर फैसला लिया जाएगा। कोई एक सॉल्यूशन या कोई एक फॉर्म्यूला नहीं है जो तमाम राज्यों पर लगाया जा सके। हर आदमी के हाथ का नाप अलग है। ऐसे में परिस्थितियों के हिसाब से चुनावी रणनीति बनानी होगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। अगर विपक्षी गठबंधन की संयुक्त रैली या कोई कार्यक्रम होता है तो क्या AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल उसमें हिस्सा लेंगे? देखिए, INDIE का कोई भी संयुक्त कार्यक्रम होगा या रैली होगी, एकजुटता से तमाम पार्टियां कोई कैंपेन या कार्यक्रम तय करेंगी तो उसमें आम आदमी पार्टी जरूर हिस्सा लेगी। INDIE अपनी पूरी ताकत के साथ BJP का मुकाबला करेगा और निश्चित तौर पर हमें सफलता हासिल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी BJP के नक्शे दम पर चलने लगी है। AAP ने पूरी दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस पर आपका क्या कहना है? इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह श्रद्धा और भक्ति का मामला है। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। कोई भी बड़ा काम या नए काम की शुरुआत करने से पहले केजरीवाल प्रभु श्री राम व बजरंग बली के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने दिल्ली में श्रवण कुमार बनकर हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है। मेरा मानना है कि यह व्यक्तिगत श्रद्धा और आस्था का मामला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED का 4th समन आया है। पार्टी इसे कैसे देख रही है? आज देश में एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डालने के लिए और BJP को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि CBI ने 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं। आज सिर्फ जांच की आड़ में विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। एजेंसियों का जितना दुरुपयोग इस BJP सरकार द्वारा किया जा रहा है उतना आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आज लोग कहने लगे हैं कि CBI ED अगर किसी आदमी को परेशान करती है, टारगेट करती है, अरेस्ट करती है तो उसका मतलब है कि BJP उस आदमी से डरती है। BJP समझती है कि वह आदमी राजनीतिक तौर पर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता जेल में हैं। पार्टी की रणनीति पर इसका क्या असर होगा? इसमें दो राय नहीं है कि BJP का मकसद आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है। कई प्रमुख नेताओं को जेल में डाला गया है क्योंकि BJP को लगता है कि इससे केजरीवाल कमजोर होंगे और AAP कमजोर होगी, यही मकसद है। आज देखिए कि BJP ने बहुत सारे दलों को हराया है लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को नहीं हरा पाई है। ये समझ गए हैं कि सबसे बड़ा खतरा केजरीवाल है तो केजरीवाल को खत्म करो। केजरीवाल को खत्म करने की कड़ी में पहले नेताओं को जेल में डालो और फिर केजरीवाल को पकड़कर जेल में डालो, ये उनकी कोशिश है। समन भेजने का मकसद है कि 2024 चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डालो ताकि न वो चुनाव प्रचार में जुट पाए और न ही अपनी पार्टी को चुनाव में आगे बढ़ा पाए। AAP जन आंदोलनों संघर्षों से निकली पार्टी है। हम संघर्ष करेंगे और मजबूत होंगे। BJP को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। BJP के पास PM नरेंद्र मोदी का फेस है। INDIA का चेहरा कौन होगा? INDIA के पास बड़े सारे विकल्प हैं। BJP में तो कोई और अपनी दावेदारी भी नहीं ठोक सकता। क्या BJP का कोई बड़ा नेता ऐसा कह सकता है कि वह PM पद का दावेदार है? जहां तक गठबंधन की बात है तो INDIA आज 135 करोड़ भारतीयों का एक संगम है जिसमें हर भाषा, हर प्रांत, हर शैली, हर संस्कृति, हर आयु, हर सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं। मेरा मानना है कि यह गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है
बीजेपी वैसे वैसे कमजोर होती जा रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका, सरकारी बंगला खाली करने वाले नोटिस पर रोक नहीं। सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने वाली निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को अदालत से गुरुवार को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था। सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा निदेशालय DOI के नोटिस को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता ने अनुरोध किया कि फिलहाल उन्हें परिसर से बाहर न निकाला जाए, क्योंकि वह एक अकेली महिला है और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। तृणमूल कांग्रेस नेता को तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया था। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया और 7 जनवरी तक उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया था। मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की यूजर ID और पासवर्ड साझा करने के आरोप में पिछले साल 8 दिसंबर को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।